Good morning, dear children. Today we are going to see the other part of the chapter of science. Okay, so from here we will start again. You can see for yourself that the air we exhale, breathe out, मतलब जब हम लोग सांसें छोड़ते हैं उसको बोला जाता है exhale, has water vapor. ठीक है, एक water vapor रहता है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं. ओपन योर माउथ एंड ब्रीद आउट ऑन अ मिरर, मतलब कि एक मिरर, एक आईना ले लो और उसके सामने एक्सेल करो. द मिरर विल टर्न मिस्टी, द वाटर वेपर इन योर ब्रीथ चेंजेस इन टू वाटर ओवर द कोल्ड सर्फेस ऑफ द मिरर. मतलब कि जब हम लोग सांसें छोड़ते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं कि वाटर वेपर जो होता है ये मिरर का जो कोल्ड सर्फेस है उसमें आके ये पानी के जैसा दिखता है. ठीक है, कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर. सिमिलरली योर ब्रीथ टर्न्स वाइट ऑन अ कोल्ड डे, मतलब कि जब ठंडे का मौसम होता है जब हम लोग सांसें छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ये वाइट फॉर्म में ये दिखता है हम लोगों को. ठीक है, जो हम लोग सांसें छोड़ते हैं, द कोल्ड एयर टर्न्स द वाटर वेपर इन योर ब्रीथ इंटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. मतलब कि ठंडा जो हवा होता है वो क्या करते हैं, वाटर वेपर को हम लोग जब सांसें छोड़ते हैं तो वो सांसें को छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स में ये बदल देते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट सी इन नटशेल, दैट इज सो वी टेक इन एयर, यूज द ऑक्सीजन इन इट टू मेक एनर्जी. ठीक है, कि हम लोग जब सांसें लेते हैं तो वहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोगों को एनर्जी बनाने के लिए सहायता करता है. एंड थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं. वाटर वेपर एंड अनयूज्ड एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. मतलब कि वाटर वेपर एंड अनयूज्ड एयर, मतलब जो एयर हम लोग लेने के बाद यूज़ नहीं होते, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. ओके, मेनली इसको अगर बोला जाए तो ये इस तरीके से होते हैं कि वी टेक इन एयर, यूज द ऑक्सीजन इन इट टू मेक एनर्जी. मतलब कि हम लोग हवा लेते हैं, उससे जो ऑक्सीजन होते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन होते हैं वो एनर्जी के लिए होते हैं, और हम लोग जो छोड़ते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड द अनयूज्ड एयर, जो यूज़ नहीं करते हैं एयर लेने के बाद. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. द ऑर्गन्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन आर द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. मतलब ये रेस्पिरेशन में जो हिस्सा लेते हैं, जो जो अंग और ऑर्गन्स, ठीक है, वो होता है आपका नोज, नाक, विंड पाइप, मतलब कि जिस के द्वारा ये हवा अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, और लंग्स. टुगेदर दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस कौन सा ऑर्गन बनाते हैं, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द नोज. ओके, द नोज, एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नोस्ट्रिल्स व्हेन वी इनहेल, मतलब ब्रीथ इन. हम लोग जब हवा लेते हैं, सांसें लेते हैं, तो ये हवा क्या करते हैं, नाक में जो दो छेद होते हैं तो उसको बोला जाता है नोस्ट्रिल्स. तो नोस्ट्रिल्स के द्वारा हम लोग इनहेल करते हैं हवा को. द स्टिकी सब्सटेंस इनसाइड द नोज इज कॉल्ड म्यूकस. मतलब कि हम लोगों का नाक में म्यूकस भी रहते हैं, नाक के अंदर म्यूकस एंड द हेयर इनसाइड द नोज. मतलब कि नाक के अंदर म्यूकस और हेयर, जो बाल होते हैं, एक्ट लाइक ए फिल्टर, ये फिल्टर जैसा काम करते हैं. दे ट्रैप डस्ट एंड द अदर हार्मफुल थिंग्स. मतलब कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो क्या करते हैं, ये दोनों चीज़, म्यूकस और नाक में जो बाल होते हैं अंदर का, वो क्या करते हैं, ये फिल्टर जैसा काम करते हैं, और फिल्टर में क्या करते हैं, ये जो धूल वगैरह होते हैं और जो हार्मफुल थिंग होते हैं उसको क्लीन कर देते हैं. एंड द एयर वी इनहेल, उसके बाद क्या होता है, एयर हम लोगों का अंदर जाते हैं. द विंड पाइप,
एयर पासेस इनटू द विंड पाइप फ्रॉम द नोज, मतलब कि नाक से जुड़ा हुआ है ये विंड पाइप, तो हम लोग जब सांसें लेते हैं नाक से पहले जाते हैं, उसके बाद विंड पाइप से अंदर चले जाते हैं। द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, ये विंड पाइप भी दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है। ओके, दिस ब्रांचेस कैरी एयर फ्रॉम द विंड पाइप इनटू द लंग्स, मतलब जब नाक में हम लोग पहले लेते हैं उसके बाद विंड पाइप के द्वारा ये जाके लंग में पहुंचाते हैं हवा। नेक्स्ट इज द लंग्स, द लंग्स आर लाइक स्पॉन्जी बैग्स, ये स्पॉन्जी बैग्स की तरह होते हैं लंग्स। दे हैव टाइनी पॉकेट्स विच फिल अप विथ एयर व्हेन वी इनहेल, मतलब कि ये स्पॉन्जी बैग्स में, मतलब कि ये लंग का स्पॉन्जी बैग्स में पॉकेट होते हैं छोटे छोटे, जो कि हवा से भरते हैं जब हम लोग सांसें लेते हैं। ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये ब्लड क्या करते हैं हवा से ऑक्सीजन लेते हैं इन द लंग्स, लंग में, एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और क्या करते हैं सारा शरीर में पहुंचा देते हैं ये ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड इन ईच ऑफ दीज पार्ट्स, ऑक्सीजन क्या करते हैं फूड के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी रेडी करते हैं। देन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू द लंग, उसके बाद क्या करते हैं ब्लड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी लंग में कैरी करते हैं। ब्लड इज़ लाइक ए ट्रांसपोर्टर और कुरियर बॉय, मतलब कि ब्लड जो होता है इसको हम लोग बोला जाता है, इसको शरीर के अंदर बोला जाता है कैरियर बॉय, कुरियर बॉय और ट्रांसपोर्टर, मतलब कि जो सामान लेन देन करते हैं। इट कैरीज फूड, ये क्या करते हैं फूड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू नदर, शरीर के एक हिस्से से लेके दूसरा हिस्से तक। इट कैरीज मैनी अदर थिंग्स टू, ये और भी बहुत सारा चीज़ कैरी कर सकते हैं, मतलब कि कैरी करते हैं। नेक्स्ट, वेन वी एक्सेल द स्पॉन्जी लंग स्क्वीज्ड, जब हम लोग सांसें छोड़ते हैं तो क्या होता है ये स्पॉन्जी लंग जो स्प्रेड हुआ था ये छोटा हो जाता है। दिस पुशेस आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करते हैं, वाटर वेपर एंड लेफ्ट ओवर एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द विंड पाइप, मतलब कि जब ये लंग हम लोगों का स्क्वीज होता है छोटा होता है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर और जो एयर जो हम लोग इनहेल में लिया था उसमें जो एयर काम नहीं आता है उसको विंड पाइप में छोड़ा जाता है। द गैसेस देन लीव आवर बॉडी थ्रू द नोज, तो ये सारा चीज़ जो रेडी हो गया ये सारा चीज़ को फिर क्या करते हैं बॉडी नाक के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। व्हेन वी इनहेल द चेस्ट एक्सपेंड्स एंड द लंग्स फिल अप विथ एयर, जब हम लोग इनहेल करते हैं हवा को तो चेस्ट एक्सपेंड होता है, मतलब बड़ा हो जाते हैं क्योंकि लंग फुल जाते हैं हवा से। एंड व्हेन वी एक्सेल द चेस्ट बिकम्स स्मॉलर, मतलब कि जब हम लोग सांसें छोड़ते हैं तो उस टाइम पे जो चेस्ट होते हैं वो छोटा हो जाते हैं। द लंग्स गेट स्क्वीज्ड, क्योंकि लंग जो होता है वो स्क्वीज हो जाते हैं छोटा हो जाता है। मेजर योर चेस्ट एज यू एक्सेल एंड इनहेल, मतलब कि आप कोई भी टेप लेके अपना जो चेस्ट होता है उसको नापो, जब हम लोग हवा लेते हैं उस टाइम पे एक बार और जब हवा छोड़ते हैं उस टाइम पे एक बार। राइट व्हाट यू ऑब्जर्व इन द स्पेस गिवन, ये जो स्पेस है इसमें तुम दोनों लिखना कि इनहेल का टाइम पे कितना साइज और एक्सेल का टाइम पे कितना साइज, तो दोनों दो जगह पे लिखो। ओके, सो दिस मच वॉज द स्टडी फॉर द डे। सो after that we will see the question and answers, okay, in the next class. Have a great day ahead.